हेलो एवरीवन वेलकम टू एलिट लीड स्क्रिट ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे कल अपडेट किया था हमारे फेसबुक ग्रुप पे अगर कोई फेसबुक ग्रुप पे नहीं एडेड है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है आई विल गिव हिम लिंक तो वो एड हो सकता है ठीक है ना फेसबुक ग्रुप पे तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आप मॉक्स भी अगर दे रहे हो तो आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं क्वेश्चन में छोटे छोटे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट इस को इसलिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग ले सकते थे बी देयर <clears throat> so, पहली तो एक चीज समझो कि यहाँ पे गिवेन है कि डिफरेंस ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर ये थ्री डिजिट नंबर दिया एंड इट्स रिवर्स तो ये जरूरी नहीं है कि उसका रिवर्स भी थ्री डिजिट नंबर हो रिवर्स कैन बी टू डिजिट नंबर रिवर्स कैन बी वन डिजिट नंबर ऑल्सो हम लोगों को बस इतनी चीज है कि ये नंबर जो होना चाहिए दिस नंबर शुड बी अ थ्री डिजिट नंबर जैसे हम लोगों ने एक नंबर ले लिया लेट करो ए बी सी ए बी सी हम लोगों ने थ्री डिजिट नंबर ले लिया तो किसी भी नंबर को इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि वी कैन राइट ए बी सी एज हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी ठीक है स यहाँ पे ए की वैल्यू वी कैन नॉट टेक ए जीरो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है बिकॉज इट इज अ थ्री डिजिट नंबर अब इसके रिवर्स की अगर बात करें दट विल बी सी बी ए नॉ सी बी ए वी कैन कैन राइट इट एस हंड्रेड सी प्लस टेन बी प्लस ए यहां पर हमें क्या पता है कि सी कैन बी जीरो बिकॉज इट कैन बी अ टू डिजिट नंबर बी कैन बी जीरो ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें ऊपर वाली कंडीशन से पता है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है ना तो ये टू डिजिट नंबर भी हो सकता है थ्री डिजिट भी और वन डिजिट नंबर भी पॉसिबल है अदर देन जीरो ठीक है तो हम लोगों को क्या कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स दैट मीन्स हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी माइनस हंड्रेड सी प्लस टेन बी प्लस ए ठीक है ये डिफरेंस आया

ये जो 99 नाइन है दिस इज नाइन इंटू इलेवन ए माइनस सी दिस टर्म इज डिविजिबल बाई फिफ्टी फाइव दैट मीन फाइव इंटू इलेवन सो इलेवन 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 कैंसिल आउट हो जाएगा सो नाइन इंटू ए माइनस सी दिस शुड बी डिविजिबल बाई फाइव अब नाइन तो फाइव के डिविजिबिलिटी में रोल ही नहीं है नाइन का बिकॉज इट इज एन थ्री है इसका एक प्राइम फैक्टर फाइव एक अलग प्राइम फैक्टर है दैट मीन दिस ए माइनस सी ये जो a माइनस सी वैल्यू होनी चाहिए a माइनस सी दिस शुड बी डिविजिबल बाई फाइव शुड बी डिविजिबल बाई फाइव ठीक है ना ये वैल्यू डिविजिबल बाई फाइव होनी चाहिए ये चीज समझ में आ गई होगी अगर a माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाई फाइव ये पॉइंट सबको समझ आ गया अब देखो समझो कब कब डिविजिबल होगा अब ए माइनस सी की अगर हम लोग वैल्यू रखना चाहें कि किस किस केस में डिविजिबल होगा जैसे मैंने ए की वैल्यू को फाइव रखा और सी की वैल्यू को वी पुट जीरो सी की वैल्यू को हम लोगों ने जीरो पुट किया ए की वैल्यू को सिक्स पुट किया सी की वैल्यू को वन पुट किया इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि ए वन हो जाए और सी सिक्स हो जाए ये रिवर्स केस भी पॉसिबल है इसी तरह हम लोगों ने ए की वैल्यू को सेवन रखा सी की वैल्यू को टू रखा इसका रिवर्स केस भी पॉसिबल है टू सेवन इसी तरह हम लोगों ने ए की वैल्यू को एट रखा सी की वैल्यू को थ्री रखा इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ना फोर और नाइन भी रिवर्स भी पॉसिबल है अब यहां पे समझो a माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाई फाइव तो a माइनस सी की वैल्यू जो होगी अगर मैं a माइनस सी की बात करूं बिकॉज a एंड सी आर यूनिट डिजिट नंबर ये दोनों यूनिट डिजिट नंबर है तो ए माइनस सी या तो जीरो के इक्वल होगा या ए माइनस सी फाइव के इक्वल होगा अभी हम लोगों ने देखे फाइव वाले केस की ए माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाय फाइव तो ए माइनस सी की वैल्यू जब फाइव के इक्वल आएगी तो ये तुम्हारे पास फाइव प्लस फोर केसेस आएंगे अब समझना जब ए की वैल्यू फाइव आई सी की वैल्यू जीरो आई तो b की वैल्यू जीरो से नाइन तक कुछ भी हो सकती है दैट देयर विल बी केसेस केसेस ये है इसी तरह जब a की वैल्यू सिक्स रखी c की वैल्यू वन रखी अगेन b कैन बी फ्रॉम जीरो अगेन यू विल गेट टेन केसेस तुम्हें अगेन टेन केसेस मिल जाएंगे इसी तरह ये सारी वैल्यूज जो होंगी ये फाइव प्लस फोर नाइन वैल्यूज हर एक वैल्यू तुम्हें कितने केस देगी टेन केस देगी

माइनस थ्री जीरो थ्री विच विल बी डिविजबल ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 1. ऐसे करते करते ए इज इक्वल टू 9, सी इक्वल टू 9 आ जाएगा दैट मीन्स अगेन तुम्हें ये 9 केसेस मिले और हर एक केस तुम्हें कितने केसेस दे देगा 10 केसेस तो ओवरऑल अगर मैं बात करूटी प्लस इज इक्वल टू वन एटी दैट विल बी अवर आंसर जीरो हर एक वैल्यू से डिविजिबल होती है बेटा जैसे अगर मैंने लिखा वन जीरो थ्री एक नंबर ठीक है वन जीरो थ्री इसी को अगर वन जीरो थ्री फिर से मैं लिख रहा हूँ लेट करो इस ये वैल्यू जीरो आए तो ये जो जीरो इज डिविजिबल बाई वन ऑल्सो टू ऑलो जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन जीरो ठीक है ना बिकॉज जीरो बाई जीरो अनडिटरमाइंड होता है तो वन टू थ्री हर वैल्यू से ये डिविजिबल होती है तो ये केस भी काफी लोग मिस कर रहे थे और नाइन्टी तो ले ही आना चाहिए था एटलीस्ट अगर ये केस मिस कर रहे थे काफी लोगों ने ये केस तो मिस किया है जीरो वाला उसके साथ साथ नाइन्टी वाला भी मिस कर रहे तो दिस शुड नॉट बी द केस है हाँ ना तो a माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाई फाइव ये केस तुम्हारा क्लियर होना चाहिए और a माइनस सी इज इक्वल टू जीरोस ए शुड बी इक्वल टू c a की वैल्यू c के इक्वल हो सकती है ए एंड बी आर नेचुरल वैल्यूज है तो तुम्हें तो समझ में आता है ये और भी नेचुरल वैल्यूज होंगे तो ए की वैल्यू वन सी की वैल्यू वन ए इज इक्वल टू ए माइनस सी में जीरो काम जीरो नहीं हो सकता ना केस वो नहीं हो सकता है बिकॉज ए की वैल्यू वी कैन नॉट पुट जीरो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट गलती होने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो एक लाइक like जरूर देके जाना पोस्ट को ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ठीक है ओवर करते हैं वीडियो गुड नाइट टू एवरी कल सुबह मॉर्निंग डोज वीडियो साथ मिलेंगे और एक न्यू और एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट के साथ चलिए थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग